हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में एक बार फिर अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। यानी फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कार्डियक डैमेज के लिए सबसे ज़्यादा इंडिकेटिव है। यानी अगर पर्टिकुलर वो टेस्ट करेंगे तो अपन इंडिकेट कर पाएंगे या डायग्नोज कर पाएंगे कि पेशेंट जो है वो किसी भी कार्डियक डिजीज से या MI या एंजाइना से सफ़र कर रहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टेट डिहाइड्रेटेज, सेकंड ऑप्शन है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी है क्रिएटिनिन काइनेज। तो राइट आंसर क्या होगा आप ऑप्शन में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन भी दो टाइप का होता है, आई और टी। ट्रोपोनिन आई जो होता है उसमें से सबसे मेजर इंडिकेटिव होता है कार्डिक डैमेज का। अगर कोई पूछे कि हार्ट अटैक आने के बाद, MI होने के बाद या कार्डिक डैमेज होने के बाद सबसे पहले जो बढ़ता है वो कौन सा कार्डिक मार्कर होता है, तो वो बढ़ता है क्रिएटिनिन काइनेज, CKMB जो है वो सबसे पहले बढ़ता है। इससे पहले भी, अगर CKMB से पहले भी पूछा जाए तो सबसे मेजर जो सबसे पहले बढ़ेगा वो कार्डिक मार्कर होगा मायोग्लोबिन। बट इन ऑप्शन की बात देखी जाए तो इन ऑप्शन में सबसे पहले CKMB बढ़ता है। CKMB से पहले भी सबसे पहले मायोग्लोबिन बढ़ेगा, बट सबसे मेजर इंडिकेटिव है जो क्लासिकल है कार्डिक डैमेज के लिए वो होता है ट्रोपोनिन आई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस ऑफ यूट्रस इन USG इज द प्रेजेंस ऑफ। यानी पेशेंट का, प्रेगनेंट लेडी का जो है वो USG किया गया है, USG के अंदर स्नो स्ट्रॉम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी बर्फ़ के पहाड़ जैसे उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी फाइब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन सी कंजॉइंट ट्विंस, ऑप्शन डी वेसिकुलर मॉल। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेसिकुलर मॉल। इसको अपन हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल भी बोलते हैं या मोलार प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। इस केस के अंदर जब भी प्रेगनेंट लेडी की USG की जाती है तो उसके अंदर स्नो स्ट्रॉम जो है वो दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन द एडमिनिस्टर RH NTD गामा ग्लोबुलिन इन केस ऑफ RH नेगेटिव मदर या RH इनकम्पेटेबिलिटी। मींस एक प्रेगनेंट लेडी है जो RH नेगेटिव है और उसको डिलीवरी के बाद जो है या प्रेगनेंसी के दौरान कब लगाना है, अगर अपन रोगाम का इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर NTRH इंजेक्शन को लगाया जा रहा है RH इनकम्पेटेबिलिटी से बचने के लिए, तो वो कब अपन एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, विद इन 72 आवर्स ऑफ द बर्थ, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर, इन द फर्स्ट वीक आफ्टर द डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद इन 72 आवर्स। डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर NTD इंजेक्शन जो है वो लगना जरूरी होता है, जिससे अपन RH इनकम्पेटेबिलिटी से बचा जा सकता है, अदरवाइज हीमोलाइसिस वगैरह होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज द पेनफुल टू द क्लाइंट। मीन्स अगर एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके अंदर फॉलोइंग में से कौन सी स्टेज है जो पेशेंट के लिए या क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में है प्री ओरिएंटेशन, वर्किंग फेज, इंट्रोड्यूसिंग फेज, टर्मिनेटिंग फेज। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टर्मिनेटिंग फेज। यानी पेशेंट आता है, प्री ओरिएंटेशन फेज होती है, उसके बाद ओरिएंटेशन फेज होती है, उसके बाद जब तक वो एडमिट रहता है नर्स उसके साथ वर्किंग फेज करती है, इंट्रोडक्शन भी रहती है, इंट्रोडक्टरी फेज भी होती है, बट जब वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से जाता है और एक नर्स के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है तो वहाँ से उस इन्वायरमेंट को छोड़ के जाना उस क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी टर्मिनेटिंग फेज। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइट ओवरलैपिंग ऑफ द बोन
ऑफ द क्रेनियम वॉल्ट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द लेबर। क्वेश्चन क्या है, लेबर के दौरान अगर फीटस जब भी डिलीवर हो रहा है तो फीटस की जो हेड की क्रेनियम की बोन होती है आपस में ओवरलेप हो जाती हैं, और उन ओवरलेप होने के पीछे जो पर्टिकुलर वर्ड जो है या टर्मिनोलॉजी वो अपन क्या काम में लेते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉल्डिंग, सेकंड वन है डिशेंट, थर्ड वन है रेस्टिट्यूशन, फोर्थ वन है एंगेजमेंट। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉल्डिंग। अगर बोन जो है ओवरलेप होती है आफ्टर द डिलीवरी, जब भी बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो ओवरलेपिंग वापस हट जाती है, वापस से बोन अपनी प्रायर प्लेस में आ जाती हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोल्डिंग। बाकी नीचे जिन्हें ऑप्शन है डिसेंट है, एंगेजमेंट है या रेस्टिट्यूशन है, ये लेबर के प्रोसेसिंग के फेज है कि हेड जो किस किस तरीके से मूव कर रहा है और कहाँ जाके वो फिक्स हो रहा है, किस किस पोजिशन में हो रहा है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन है ब्रेन इज स्टोर्ड इन विच प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोप्सी स्टडी। यानी ब्रेन का कोई भी टिश्यू है उसकी अगर अपने को ऑटोप्सी करनी है, और ऑटोप्सी करने के लिए अगर ब्रेन टिश्यू को प्रिजर्व रखना है लंबे टाइम के लिए, तो कौन से सॉल्यूशन रखेंगे? दो चीज़ें होती हैं ऑटोप्सी और बायोप्सी। ऑटोप्सी का मीन्स होता है लाइव टिश्यू का, सॉरी ऑटोप्सी का मीन्स होता है डेड टिश्यू जो होते हैं उनका एग्जामिनेशन, और बायोप्सी का मीन्स होता है लाइव जो टिश्यू होते हैं उनका एग्जामिनेशन। बात करते हैं अपन ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, सेकंड वन है EDTA, थर्ड वन है सोडियम फ्लोराइड, और नेक्स्ट वन ऑप्शन है 10% फॉर्मेलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10% फॉर्मेलिन। 10% फॉर्मेलिन में ब्रेन टिश्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं, वहाँ से उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकते, रिपोर्ट जो आएगी वो फॉल्स नहीं आएगी, कोई भी डिफॉर्मिटी उसके अंदर कोई अराइज नहीं हो सकती। डेड टिश्यू अगर ब्रेन के हैं और उनके ऑटोप्सी के लिए उसको प्रिजर्व करना है तो किसके अंदर करेंगे अपन? फॉर्मेलिन के अंदर। और जनरली इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है? 10%। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन्थ क्वेश्चन है ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ ग्लास्कोकोमा स्केल एक्सेप्ट। इसमें से फॉलोइंग में से दिए गए सारे के सारे ग्लास्कोमा स्केल के कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़ के, तो वो एक कंटेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है आई ओपनिंग, सेकंड वन है रेस्पिरेशन, थर्ड वन है कन्वर्जेशन, फोर्थ वन ऑप्शन है मोटर रिस्पॉन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेस्पिरेशन। ग्लास्कोमा स्केल है उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, EVM आई की ओपनिंग होती है, वर्बल रिस्पॉन्स होता है और मोटर रिस्पॉन्स होता है। तो जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, क्या वर्ड काम मिलेगा उसके लिए? कन्वर्जेशन। रेस्पिरेशन जो है वो ग्लास्कोमा स्केल का पार्ट नहीं है। अगर मैक्सिमम जनरल स्कोर पूछा जाए ग्लास्कोमा स्केल जो उसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो 4, 5, 6 EVM के अकॉर्डिंग उसका सबसे मेजर सबसे मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो होता है 15, बल्कि रेस्पिरेशन जो है पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए पेशेंट इज ऑन सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब सडनली एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, विच एक्शन शुड नर्स टेक फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसको SB ट्यूब लगी है, यानी सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगी हुई है, और अचानक से पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है ब्रीथिंग डिफिकल्टी की, तो नर्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वन है एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, सेकंड वन है एलिवेट द हेड बेड, नेक्स्ट वन है कट एंड रिमूव द ट्यूब, नेक्स्ट वन है लिशन द क्लाइंट्स लंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कट एंड रिमूव द ट्यूब, यानी ट्यूब को कट करके वहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी कंप्लेन पेशेंट क्यों कर रहा है कि रेस्पिरेटरी जो वे है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है उनके बैलून की वजह से। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, अगर सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब रखी है तो पेशेंट के बेड साइड क्या रहना चाहिए? इसका आंसर आएगा सीजर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है अपन डिस्कस करते हैं। तो उसके बेड साइड हमेशा और हमेशा क्या रहनी चाहिए? सीजर अवेलेबल रहनी चाहिए, ताकि जब भी पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी की कंप्लेन करे तो वहाँ से कट करके उसको क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। थर्ड वन जो क्वेश्चन आता है सेंस मोर ब्लैकमोर ट्यूब से, वो आता है कि सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है किस केस में जनरली काम में ली जाती है? तो वो काम में ली जाती है ईसोफेजियल वेरिसेज में, ताकि पेशेंट जो है ब्लड को
ट्रेकिया के थ्रू स्प्रेड ना कर जाए, उस एस्प्रेशन से बचने के लिए अपन जो है वो कौन सी ट्यूब काम में लेते हैं, सेक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब जो है वो काम मिल जाती है। जनरली थ्री वे ट्यूब होती है और आजकल जो मॉडिफाइड आ रही है उसके अंदर चार ओपनिंग जो है या फोर वे है या फोर ल्यूमन जो ट्यूब है वो एज ए सेंक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब जो है वो काम में ली जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सेंक्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब से बनते हैं। बात करते हैं अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज जो है वो कौन से प्रोडक्ट का किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है टोबैको, सेकंड वन है कैनाबेज यानी भांग, सेकंड ऑप्शन है अल्कोहल और फोर्थ वन है हेरोइन यानी ब्राउन शुगर। तो ऑप्शन देख के आप कमेंट बॉक्स में राइट कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोबैको। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एडिक्शन जो होता है वो किसका होता है, टोबैको या तंबाकू का होता है। अप्रोक्सीमेटली 162 मिलियन पीपल जो हैं वो टोबैको एडिक्शन से सफ़र करते हैं। इट मीन्स जो है सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रोडक्ट है सब्सटेंस अब्यूज़ का वो कौन सा है, टोबैको। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर लाइगेशन इन द फीमेल स्टरलाइजेशन। अगर फीमेल स्टरलाइजेशन करना है, फीमेल स्टरलाइजेशन करने के दौरान ट्यूब को सबसे मोस्ट कॉमन कहाँ से बांधा जाता है, लाइगेट किया जाता है या कट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है स्थमस, सेकंड वन है एम्पुलरी पार्ट, सेकंड वन थर्ड वन है कॉर्नोवल पार्ट, फोर्थ वन है फिम्ब्रियल पार्ट। का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थमस, जहाँ से दोनों पार्ट जो हैं आपस में ज्वाइन होते हैं। या कोई भी दो ट्यूबिक के बीच की ज्वाइनिंग होती है उसको अपन पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, उसी पार्ट के लिए अपन बोलते हैं स्थमस। वो सबसे नेरो पार्ट होता है, वहाँ से जनरली इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है ताकि ओवम जो वो कहाँ ना कहीं इम्प्लांट नहीं हो सकता, यूट्रस तक नहीं पहुँचता, आपस में स्पर्म या ओवम जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट लाइगेशन की क्या होती है, फीमेल स्टरलाइजेशन के अंदर स्टमस। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज, यानी बक्स ट्रैक्शन जो है वो कौन से टाइप का ट्रैक्शन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइड एज सर्वाइकल हेड हाल्टर, सेकंड वन है स्किन ट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है स्केलेटल ट्रैक्शन टू द लोअर लेग और फोर्थ वन ऑप्शन है टॉन्ग अप्लाइड टू द हेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्किन ट्रैक्शन। जनरली लोअर लेग के अंदर लगाया जाता है, फीमर जो है उसको इमोबिलाइज करने के लिए उसके अंदर कोई भी मोबालाइजेशन नहीं हो, वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स हो जाए और स्किन के अंदर लगाया जाता है। तो किस टाइप का ट्रैक्शन है, ये स्किन ट्रैक्शन है। एक बार एक बक्स ट्रैक्शन का आप डायग्राम भी जरूर देख लें गूगल पे जाके, ताकि पता रहेगा कि बक्स ट्रैक्शन जो है वो दिखने में कैसा होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अबुंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन सोडियम, सेकंड वन पोटेशियम क्लोराइड एंड फोर्थ वन बाइकार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की बात करी जाए सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम के अमाउंट अगर सीरम के कंसेंट्रेशन की बात करें तो जनरली 135 to 145 मिली इक्विलेंट पर लीटर होती है, बल्कि पोटेशियम जो है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है। पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलरली 3.5 to 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर पाया जाता है। बल्कि अगर घुमा के पूछे कि इंटर सेलुलर के अंदर, तो इंटर सेलुलर के अंदर जनरली सोडियम जो होता है वो 10 मिली इक्विलेंट पर लीटर होता है और पोटेशियम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 140 to 150 मिली इक्विलेंट पर लीटर होता है। तो अपने उस वर्ड का ध्यान रखना है कि कहाँ तो इंटरसेलुलर पूछा जा रहा है और कहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर पूछा जा रहा है। इंटरसेलुलर सबसे अबुंडेंट आयन जो होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम, और बाहर की साइड सबसे ज़्यादा आयन जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम। चलिए बात करते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन देखिए, 1987 1982 1991 1992। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1992। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 1992 में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि
जो नेशनल एड्स डे जो होता है, इंटरनेशनल एड्स डे जो होता है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? उसका आंसर होगा 1 दिसंबर इन ईच ईयर, हर एक ईयर के 1 दिसंबर को एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय, यानी सांप इंस्ट्रूमेंट है वो किसके अंडर स्टरलाइज किए जाते हैं, कौन से मेथड से स्टरलाइज किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन और लास्ट वन है रेडिएशन। तो मोस्ट कॉमनली जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो किसके द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के द्वारा मोस्ट ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो रेप करके दे देते हैं और उनके अंदर ही वो क्या होते हैं, स्टरलाइज होते हैं। ऑटोक्लेव जो है वो एक मॉइस्ट हीट का टाइप है, जनरली 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है और एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। जनरली इसके अंदर प्रेशर होता है 21 LBS प्रेशर जो है उसके अंदर, सॉरी 15 to 20 LBS प्रेशर जो है वो उसके अंदर जनरेट होता है। तो जनरली 30 मिनट के लिए एक प्रोसेस जो है वो किया जाता है। टेम्परेचर वेरी कर सकता है, प्रेशर वेरी कर सकता है कि अपने को इमिडिएटली चाहिए, जनरली 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट अंडर द 15 LBS प्रेशर जो है वो ऑटोक्लेव करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको बॉइलिंग के द्वारा भी करते हैं, बट बॉइलिंग के अंदर अगर करते हैं तो उनकी शार्पनेस जो ख़त्म हो सकती है, ड्राई हीट से भी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो जनरली जो है वो किस मेथड से किए जाते हैं, वो ऑटोक्लेव मेथड से। जनरली उनको अगर लॉन्ग टाइम तक लगे साइड एक्सट्रे के अंदर उनको रखा जाता है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो अपने डिस्कस किए। आप हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव एग्जाम क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।